हेलो एवरीवन, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है और कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइए देखते हैं कि पहले व्हाट इज सेल। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडीज होती हैं। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको कि हम ऑर्गेनल्स कहते हैं, कोमल भी होना चाहिए, जिनका पर्टिकुलर फंक्शन होता है। और सेल्स हमारी दो टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट सेल बहुत ही सिंपल सेल होती हैं, इनमें कोई भी स्ट्रक्चर्स मेम्ब्रेन बाउंड नहीं पाई जाती है। डीएनए फ्री फ्लोटिंग होता है प्रोटोप्लाज्म में। और यूकैरियोट में ये दीज आर कॉम्प्लेक्स सेल्स, सिंगल और मल्टी सेलुलर होती हैं, सभी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इसके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और इसके अंदर डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि दोनों ही सेल डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दिखते डिफरेंट हैं, तो उनकी सेल्स भी कुछ डिफरेंट ही होंगी। तो वो डिफरेंस जानने की हम कोशिश करते हैं। पहला डिफरेंस है शेप का। प्लांट सेल रेगुलरली शेप्ड होती हैं, रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल और बॉक्सी शेप की होती हैं, जबकि एनिमल सेल का कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। वो इरेगुलर शेप में होती हैं, राउंड भी हो सकती हैं, ओवल भी हो सकती हैं। प्लांट सेल में एक थिक सेल वॉल पाई जाती है और ये सेल वॉल प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, क्योंकि इनमें कोई भी ऐसा स्केलेटन सिस्टम नहीं पाया जाता है। जबकि एनिमल सेल में इस तरह की कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती है, क्योंकि उसके भीतर खुद ही स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। तीसरा डिफरेंस है क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में ही केवल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, जैसा कि आपको मालूम है कि ये किचन ऑफ द सेल कहलाता है। इसका मेन काम फोटोसिंथेसिस है। फोर्थ है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, जो सेल डिवीजन के टाइम में माइक्रोट्यूबुल का निर्माण करके सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो सवाल ये है कि उनमें सिमिलैरिटी क्या है। बोथ द सेल्स आर यूकैरियोट, सो दे हैव सम सिमिलैरिटीज आल्सो। क्या है वो सिमिलैरिटीज? बोथ हैव न्यूक्लियस, जिसे कि हम सेल का ब्रेन भी कहते हैं, और इसी के अंदर डीएनए पाया जाता है। दोनों सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसके अंदर सभी ऑर्गन सेल के बंद रहते हैं। दोनों ही सेल में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जिसमें कि सभी ऑर्गेनेल्स या कोशिका के अंग डूबे रहते हैं। सभी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, और ये मेन काम है इसका एनर्जी प्रोड्यूस करना। प्लांट सेल में सेंट्रली लोकेटेड बहुत बड़ी वैक्यूल पाई जाती है, जबकि इस तरह की वैक्यूल एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। तो ये हमारे चार डिफरेंस हैं मोस्टली एनिमल और प्लांट सेल के बारे में, जैसा कि आप देख सकते हैं वेन डायग्राम में। तो आशा करता हूँ आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस और सिमिलरिटी अच्छी समझ में आ रही होगी। धन्यवाद।